दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो हमारा प्लिंथ बीम पे है कि रोड से हमें प्लिंथ बीम कितने हाइट पर रखना चाहिए कि हमारा जो प्लिंथ बीम होगा सेफ रहेगा या घर के अंदर पानी नहीं आएगा, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है प्लिंथ बीम की हाइट रखते टाइम, वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ उसको लाइक भी करना। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन होगी वो आपको रोड लेवल से ऊपर ही रखनी होती है। क्यों ऊपर रखनी होती है? फ्यूचर में अगर वहाँ ग्राउंड लेवल पे रोड बन गया कोई दिक्कत नहीं है, उससे मैं हाइट बता देता हूँ उतनी रख सकती हो। लेकिन अगर वहाँ पे रोड नहीं बने तो आपको हमेशा ज़्यादा ही हाइट रखनी है। तो हम बात करते हैं हाइट की, तो मिनिमम आपको 450 mm या 1.5 feet हाइट रखनी ही रखनी है। जहाँ से रोड बन गया वहाँ आप पकड़ के चलो कि आपको मतलब 1 से 1.5 feet रखना ही रखना है जहाँ रोड बन गया है। क्योंकि रोड बन गया बेशक, लेकिन जब उसकी दोबारा से रिनोवेशन होगी तो उसमें क्या होता है, पकड़ के चलो 4 से 6 inch तक उसमें माल डाला जाएगा, जो लुक पड़ती है वो डाली जाएगी। तो उससे क्या होगा, वो मतलब कुछ सालों बाद, कुछ 10-20 साल बाद वो ऊंचा ऊंचा होता जाएगा। और अगर बाई चांस ज़्यादा बरसात हुई तो वो पानी आपके घर सीधा आ सकता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपका क्या करना है, पता कर लो कि रोड का लेवल कहाँ है, उससे रोड के लेवल से आपको 1.5 feet अपना जो प्लिंथ लेवल होगा मिनिमम है, मिनिमम इससे ज़्यादा ही रखो, मिनिमम आपको 1.5 feet रखना ही रखना है। 1.5 feet रख के उसके बाद उस पर जो 4 inch की DPC आएगी वो ठीक है, तो आपका सेफ रहेगा। अगर आप वो प्रॉपर वे से नहीं करोगे तो फ्यूचर में जब रोड बनेगा क्या पता आपके घर से ऊँचा हो जाए, जहाँ उसमें जब फ्यूचर में माल डलेगा तो जो सब पानी होगा उसका, नालियों का, जो ड्रेनेज का, जब बारिश पड़ेगी वो डायरेक्ट आपके घर में आ सकता है। और दूसरी चीज़, प्लिंथ प्रोवाइड मतलब जितना उसकी विड्थ रहेगी, डेप्थ रहेगी तो वो सही भी है, डैम्पनेस भी नहीं आती है। अगर आपने प्लिंथ अच्छे से प्रोवाइड किया तो आपके घर में डैम्पनेस भी नहीं दिखेगी। तो मेन पर्पस आज की वीडियो का वही था कि आपको रोड लेवल से कितना हाइट पे देना होता है अपना प्लिंथ बीम। तो मिनिमम मैंने कहा कितना, 450 mm या 1.5 feet से ऊंचा ही आपको रखना है। पहले सबसे पहले वाटर लेवल से मिस्त्री से चेक करवा लो कि ये रहा हमारा रोड लेवल, इधर से 1.5 या 2 feet हमारा प्लिंथ बीम हाइट पे रख दो, उसके बाद आप ब्रिक वर्क करो, जो भी है सब सेफ रहेगा। तो हमेशा ये चीज़ें ध्यान देनी है। और एक चीज़ और ध्यान देना, चारों तरफ का रोड देखना है, ये नहीं एक तरफ का रोड के हिसाब से सब रख दिया, नहीं, चारों तरफ अगर रोड है तो चारों तरफ का रोड देखो, जहाँ देखो कि सबसे ज़्यादा पानी ढलान में कहाँ तक आता है, वो सब चीज़ें चेक करके ही आपको प्लिंथ की हाइट रखनी होती है, एक मेन चीज़ है। तो ये रहा आज का वीडियो, थैंक यू गाइस।